नमस्कार दोस्तों, आज के इस समय में अच्छी सेहत कौन नहीं चाहता, अच्छी बॉडी कौन नहीं बनाना चाहता। अपने आप को फिट रखना, सिक्स पैक एब दिखाना, अच्छे से बॉडी शॉडी बना के घूमना कौन नहीं चाहता। पर हमारे को कुछ लोग हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। हम अपनी हेल्थ को लेकर काफी सारे भ्रम पाले रखते हैं, या कहिए कि हमारे पास अधूरी जानकारी होती है। इस वजह से हम कुछ जरूरी फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं और फायदे की जगह हमें नुकसान हो जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में उसी से जुड़े हुए कुछ मिथों के बारे में बताएंगे, ताकि आपकी हेल्थ खराब ना हो। अब हमारी युवा पीढ़ी जिम में जाती है तो उन्हें एक बात का भ्रम होता है कि एक ही बॉडी पार्ट की 7 दिन तक लगातार एक्सरसाइज करने से उस बॉडी पार्ट में कटिंग आएगी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक ही बॉडी पार्ट की रोजाना एक्सरसाइज करना, जैसे जल्द एब्स तैयार करने के लिए केवल एब्स एक्सरसाइज ही करते रहना, या 7 दिन लगातार बिना ब्रेक एक्सरसाइज करना हानिकारक हो सकता है। मसल्स की एक्सरसाइज करने के बाद 1 या 2 दिन तक आराम लेना चाहिए, क्योंकि लगातार ज्यादा एक्सरसाइज करने से गंभीर नुकसान हो सकता है। ऐसे लगातार एक्सरसाइज करने से मसल्स कभी भी नहीं बनती हैं। रोजाना पेट की कसरत करना। रोजाना पेट की कसरत करने से पेट अंदर हो जाने की उम्मीद करना गलत है। पेट या किसी भी दूसरी मसल्स को कसरत के बाद पूरा आराम चाहिए होता है। इसलिए जरूरी है कि 1-2 दिन के अंतराल पर ही पेट की एक्सरसाइज की जाए और साथ में खान पान का भी पूरा ख्याल रखा जाए। पेट की एक्सरसाइज लगातार करते रहने से पेट की नसें खिंच सकती हैं और आपको भारी नुकसान हो सकता है। जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कभी भी ना करें। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्क्रीन पर स्टार्स की बॉडी देखकर खुद भी वैसा बनने की होड़ आगे चलकर नुकसानदायक हो सकती है। समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म रेट अलग होता है। जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी द्वारा कराई गई एक शोध के नतीजे के अनुसार जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कभी ना करें। एक्सरसाइज एक नाप तोल कर करें, यानी किसी भी पार्ट की एक्सरसाइज करने के साथ उसे भरपूर आराम भी दें। ओवर वर्कआउट या डाइटिंग कभी भी ना करें। एक्सपर्ट के अनुसार जरूरत से अधिक वर्कआउट करने से शरीर रिएक्शन करना बंद कर देता है। इसके अलावा जिस फायदे की आप उम्मीद कर रहे होते हैं वो भी नहीं मिलता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो हो सकता है आप भी बिना सोचे समझे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि ओवर एक्सरसाइज के कारण अक्सर शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द होने जैसी समस्या हो सकती है और इंजरी का भी खतरा हो सकता है। आप एक्सरसाइज के साथ कभी भी डाइटिंग ना करें। कहीं वजन घटाने के चक्कर में आप डाइटिंग कर बैठते हैं, एक्सरसाइज भरपूर मात्रा में करते हैं और ऊपर से आहार भरपूर मात्रा में नहीं ले पाते। लोगों के दिमाग में खान पान से जुड़े कई मिथ होते हैं, जैसे शुद्ध शाकाहारी लोग एकदम फिट होते हैं, इसलिए नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। वैसे यह बात सही है कि खूब सारी सब्जियों का सेवन से आपकी सेहत ठीक रहती है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन यदि आप सिर्फ तला भुना खा रहे हैं तो ऐसे शाकाहार होना भी व्यर्थ है। नॉनवेज भी पौष्टिकता से भरपूर होता है, लेकिन यदि इसे बहुत तेल घी में नहीं बनाया गया है तो यह वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है। नॉनवेज खाएं, मगर प्रोसेस्ड और पैकेज बंद नॉनवेज से परहेज करें। आप बॉइल्ड नॉनवेज खा सकते हैं, आप तले भुने से परहेज करें। खाना छोड़ना। बहुत ज्यादा डाइटिंग या केवल लिक्विड डाइट से कुछ समय के लिए वजन भले ही कम हो जाए, पर स्वस्थ बने रहते हुए वजन कम करने के लिए केवल डाइटिंग काम नहीं करती। इसके साथ वर्कआउट भी जरूरी होता है। एक्सरसाइज से केवल कैलोरी बर्न नहीं होती, बल्कि इससे मांसपेशियां भी बनती हैं। ध्यान रखें कि केवल डाइटिंग करने से
वसा कम होने के साथ शरीर के पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। कुछ लोग डाइट से कार्बोहाइड्रेट को निकाल देते हैं जो हानिकारक है। कार्बोहाइड्रेट को निकाल देने के बजाय अच्छे कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें और बुरे कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दें जो आपके वजन को बढ़ाता है। प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल। आज के इस समय में बॉडी बनाने की होड़ में दुनिया भर के ऐसे फूड सप्लीमेंट चले हुए हैं जिनका लोग भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं में प्रोटीन सप्लीमेंट भी आता है। मसल बनाने की चाह, सिक्स एब्स पैक पाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। तो इस साल यदि आप भी सिक्स एब्स पैक बनाने का संकल्प ले रहे हैं तो याद रखें कि इसके लिए क्रिएटिन या प्रोटीन सप्लीमेंट का उपयोग न करें। यही नहीं, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर या वे सभी लोग जो एक आइडियल बॉडी पाना चाहते हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। बिना जाने क्रिएटिन या प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने के बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं और ये बीमारियां लाइलाज भी हो सकती हैं। तो कभी भी बिना डाइटिशियन की सलाह के प्रोटीन या क्रिएटिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसे देखकर जरूर बताएं। हमें अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।